हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये डिलीशियस मेथी के पराठे, जो कि बाहर से हैं क्रिस्पी और अंदर से हैं बहुत सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 200 ग्राम आटा लिया है और इसे मैंने छन्नी की हेल्प से छान लिया है। अब इस आटे में हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जो कि यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच यूज़ की है, और साथ ही एक बड़ा चम्मच हींग भी डालेंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। यहाँ मैंने काला नमक यूज़ किया है, आप वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ये हरी मेथी ली है, इसे भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और वॉश कर लिया है। अब इस आटे में हम इसे डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से इसे मिला लेंगे। इसका डो प्रिपेयर करते टाइम हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है। पहले मेथी के साथ ही हमें आटे को अच्छे से मिलाना है, ताकि वो जितना मेथी का मॉइस्चर है वो अब्सॉर्ब कर ले और आटा ज़्यादा सॉफ्ट और लिक्विडी ना बने। इसे अच्छे से हमें मिला लेना है मेथी के साथ और धीरे धीरे कलेक्ट करके इसे एक डो फॉर्म में ले आना है। आप देख सकते हैं कि आटे ने सारा मेथी का मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया है और मेथी पे अच्छे से स्टिक हो चुका है आटा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और उसके बाद इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। बैचेस में पानी ऐड कीजिएगा, ताकि आपका जो डो है वो लिक्विडी ना हो और पराठे बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। हाथों को इस मोशन में चलाते रहिए और आटे को इकट्ठा करते रहिए। आपका डो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इस डो को तैयार होने में करीब 4 से 5 मिनट लगते हैं, और अगर आप स्किल्ड हैं तो आप और जल्दी भी कर सकते हैं। डो यहाँ कलेक्ट हो चुका है और अब इसे स्मूथ करने के लिए हम नीड करेंगे। करीब 30 सेकेंड नीड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये डो तैयार है, अब हम इसमें से बॉल्स निकाल लेंगे और पराठे बनाएंगे। यहाँ मैंने एक करीब मीडियम साइज़ का बॉल लिया है और उसे मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसे पतला पतला बेल लूँगी। अगर इस पॉइंट पे आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लिक्विडी सा फील हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आटा डस्ट कर लीजिए, आपका पराठा आराम से बेल जाएगा। ये देखिए, पराठा बेल चुका है। और अब इसके बाद हम इसमें लेयरिंग लगाएंगे, जिससे हमारे पराठे अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने और माउथ में जाते ही एकदम घुल से जाएं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल की जगह मेल्ट किया हुआ देसी घी भी ले सकते हैं। और इसे करछी की हेल्प से अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। और अब हम साइड्स को फोल्ड करते हुए इस पर अच्छे से लेयर लगाएंगे। फिर से एक बार हम करछी की बैक साइड से इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और फिर से इसे फोल्ड कर देंगे। ये एक रैप की तरह हो जाना चाहिए। पराठे में लेयर्स अच्छे से लग चुकी हैं और अब हम इसे बेल लेंगे। इस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, ताकि ये स्टिक ना हो सरफेस से, और उसके बाद इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। इसे ज़्यादा थिन नहीं करना है, नहीं तो लेयर्स एक साथ स्टिक हो जाएंगी और वो खाते टाइम अलग नहीं होंगी। बस थोड़ी सी थिकनेस रखनी है। आप देख सकते हैं ये पराठा एकदम तैयार है और इसे इतना ही थिक होना चाहिए। अब हम इसे सेक लेंगे। इसके लिए मैंने एक तवे पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल या देसी घी, आप जो यूज़ करते हो वो ले लिया है, और उसके बाद उस पर मैंने पराठा रख दिया है। अब हमें इस पराठे को एक तरफ करीब 30 सेकंड तक सेकना है, उसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए, इस पे कैसे गोल्डन सी लेयर आने लगी है। और बीच में हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते रहेंगे, ताकि ये क्रिस्पी बने। इस पराठे को सिकने में करीब 2 से 2.5 मिनट लगता है। जब तक ये पराठा सिकता है, आप दूसरा पराठा बेल के तैयार कर लीजिए। और ये देखिए, ये पराठा कितना गोल्डन और क्रिस्पी लग रहा है, बट साथ ही साथ ये अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और ये पराठा तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप इसके साथ चटनी या रायता या कोई भी सब्ज़ी खा सकते हैं। मैं आपको इसकी लेयर्स काट के दिखाती हूँ। ये देखिए,
बाहर से सुपर क्रिस्पी है और अंदर से ये सॉफ्ट है, और ये बहुत बहुत ही टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा इन्हें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर आए, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।